जी हाँ, आज मेरे साथ जो मासूम सी लड़की मेरे हाथ लगी है वो दरअसल में शुरू में कुछ ज़्यादा ही मासूम थी, लेकिन फिर टेढ़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर करके ये भी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और तेज हो गई। जुनैद खान और आगा अली के साथ इन्हें तकरीबन 200 ड्रामे किए हैं और मेरे साथ रियल लाइफ में एक नन्ही सी उम्र में इन्होंने अपना काम शुरू किया और बहुत जल्द शोबिज और लाखों फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। टीवी ड्रामों की और एड्स की जान और आज मेरी मेहमान मिस सारा खान। सारा वेलकम। ये आपने जो ट्यूबलाइट टाइप कपड़े पहने हैं इससे मेरी आंखों के अंदर शुआएं आ रही हैं, पता है? ये पहन तो मैंने लिया, फिर मैंने रास्ते में सोचा कि मैंने क्या पहन लिया, मैं पहन के कहाँ जा रही हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा है, ये रेनबो टाइप, सतरंगी बारिश भी हो रही है बाहर, तो आपने अच्छा बड़ा माहौल बनाया हुआ है। तो आप ऐसे काफी स्टाइलिश हो गई है, मैंने देखा है। उस दिन मैंने आपको फैशन शो पे भी देखा था, हम का जो वो था उसमें आपको जैपनीज याकूज़ा टाइप बनी हुई थी, अच्छी लग रही थी बहुत। शुक्रिया। सारा, ये बताएं कि आप को अपने करियर के आगाज में कुछ स्ट्रगल करना पड़ा या फिर ऐसा हुआ कि आए ना आपके लिए हीरोइन की कुर्सी रेडी है? ये सच है क्या कि मैंने जरा सा भी स्ट्रगल नहीं किया? अच्छा, आते साथ मुझे एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आते साथ ही मैंने पहला ड्रामा साइन किया था। ऐसी एक जगह मुझे प्रोड्यूसर मिले थे, उन्होंने कहा कि आप ड्रामा करेंगे तो मेरे साथ डिनर पे चलेंगे, ये कहा हुआ? नहीं नहीं, डिनर पे डिनर पे कहा होता तो वो मार खाते। ये नहीं कहा था। अच्छा, सही। वो बहुत अच्छे तो मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा, ठीक। सैफी हसन। अच्छा, सैफी तो शरीफ आदमी है। सारा, आप सिंगल है कि डबल, क्योंकि हमारे ऑडियंस फैंस काफी ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। एक्स्ट्रा सिंगल। एक्स्ट्रा सिंगल चल रही है। तो अगर किसी को रिश्ता अप्लाई करना हो तो क्या प्रोसीजर है, कि कैसे बात किसे बात करनी पड़ेगी या लेटर लिखना पड़ेगा? एप्लीकेशन है कोई इसके लिए? अभी मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं तैयार? अभी मैं एक्स्ट्रा सिंगल रहना चाहती हूँ कुछ अरसे तक। जब आपका मूड हो जाएगा तो इसका कोई प्रोसेस प्रोसीजर है? देखें, ये ऐसे हो सकता है कि कोई लड़का दिखा मुझे बहुत ही अच्छा लग गया तो मैं कहूँगी अगले दिन ही शादी कर लो। ऐसा होता है? मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है। मैं ऐसा करूँगी कि मुझे भी कोई लड़का फौरन पसंद आ जाता है। बहुत हुआ ऐसा, अगले दिन शादी नहीं हुई क्योंकि फिर वो उनकी फैमिली वाले नहीं मानते थे। सारा, ये पता है कि आपका पहले फर्स्ट प्ले के अंदर या वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्लेज के अंदर कोई गड़बड़ हुई? हाँ, मैंने अपने दूसरे ड्रामे के अंदर अपने डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया था। असल में मार दिया था? असल में मार दिया था। ये तो बहुत ही स्पाइसी न्यूज़ निकली है। हाँ। वो भी सारा खान जैसी मासूम लड़की से, जो थप्पड़ मार दिया आपने? थप्पड़ मार, और मैंने डर के मारे थप्पड़ मार दिया था। ये नहीं कि मैं बड़ी हीरो बन के, मैंने डर के मारे थप्पड़ मार दिया था। और मैंने वो एक मेकअप रूम में थे हम, थप्पड़ लगाया, फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई किसी को कैसे पता चलेगा थप्पड़ मारा। फिर मैं बाहर जाके मैंने चीखा, जब वो चीखते हुए बाहर आया तो मैंने एक और थप्पड़ लगाया ताकि सब देख लें और सबको पता चले। दो थप्पड़ मारे आपने डायरेक्टर को? यार, तो बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों से खतरनाक निकली है, टेररिस्ट। वो अच्छा, चले मैं पूछता नहीं हूँ कि क्यों मारा था आपने, बट आप समझ गए होंगे क्यों मारा। मैं बताती हूँ क्यों मारा था। वो मुझे फिल्म पे ले जाना चाहते थे और मैं नहीं जाना चाहती थी, तो वो मेरे पीछे पड़ गए, चलो ना चलना। फिर उन्हें जब मेरा हाथ पकड़ाना, फिर थप्पड़ तो बनता था। अच्छा, हाथ पकड़ लिया उन्होंने? आजकल के जमाने में हाथ पकड़ के दिखाई देखिए, क्योंकि मुझे देख के लगता है मैं बहुत मासूम हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं मार चपेट दे दिया आपने। चपेट दे देती। ये बड़ा फन फैक्ट, हमने फन तो नहीं था खैर, ब्रॉनी फैक्ट था, लेकिन आप हाथ लगा के दिखाएं जरा। ये बताएं कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा सेक्सफुल अदाकार कौन लगता है? बिलाल अशरफ, शहरयार मुनव्वर, अली रहमान, फिरोज खान या फिर वसीम अब्बास? सेक्सफुल बताएं ना आपको क्या होता है, मैं किस मामले में बोलता हूँ। अच्छा, पहले कौन था? बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, शहरयार, बिलाल अशरफ जो आजकल आधे कपड़े पहन के घूम रहा है। हाँ, यही लगता है। यही लगता है ना, मसल जसल अच्छे बनाए हैं मेरे से भी ज्यादा, उसने बॉडी बना ली है। यही लगता है। अली रहमान मुझे अच्छे लगते हैं, फिरोज मुझे अच्छे लगते हैं, और ये बेस्ट बिलाल अशरफ। बेस्ट। सारा, चलते हैं हम अपने ट्रू और फॉल्स राउंड की तरफ, क्योंकि झूठ आप मुझे पता नहीं बोलती। जी, रेडी हैं? रेडी। मेरा इंडस्ट्री में कोई दुश्मन नहीं है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ट्रू। मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई मीन इंडस्ट्री के लड़कों में। ट्रू। ट्रू 100%। हाँ, क्या चबल होते हैं सारे? इंटरेस्ट नहीं है मुझे कोई। मैं शादी करूंगी तो किसी अमीर बिजनेसमैन या गैंगस्टर से? गैंगस्टर से नहीं करूंगी, अमीर बिजनेसमैन से कर सकती हूँ। ताकि रिटायर हो जाए फिर।
आप तो फिर आप किस किस्म के बंदे से शादी करना चाहती हैं? देखें, अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा इंसान वहाँ मिलते हैं आजकल? आजकल नहीं अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। तो आपको फिर अपने हिसाब से उसकी प्रोग्रामिंग और ऑर्डर करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए कि हाँ ये मैं करूँगी। कीजिएगा। आजकल वो www.alibaba पे मिलते हैं कुछ जिसमें आप टिक्स चेक चेक लगा लें और वो आपके साथ। नकली लड़के नहीं चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा, मुझे बहुत आसानी से प्यार हो जाता है। ट्रू के फॉल्स? किस लड़कों से या वैसे वाला प्यार? वैसे भी हो जाए। हाँ, क्योंकि ये PG-13 शो है तो इसलिए मैं फैमिली फंक्शन है। PG-13 शो, हाँ फैमिली फंक्शन है तो आप मतलब लड़का ना भी हो। हाँ हाँ, मुझे सबसे प्यार हो जाता है। सबसे आपको प्यार हो जाता है? हाँ, आराम से। सारा, टीवी तो आपने दबा के की, लेकिन आपने अभी तक कोई फिल्म नहीं की, क्यों? क्योंकि देखिए, मैं स्किन शो नहीं कर सकती ज़्यादा, मैं किसी आइटम नंबर पे डांस नहीं कर सकती, तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसी फिल्म बनी नहीं जिस पे मुझे लोग आपको लगता है फिल्मों में से नहीं होता है। सिर्फ ये नहीं होता, लेकिन ये भी होता है। आपकी अल्टीमेट फैंटेसी क्या है काम के हवाले से? काम के हवाले से देखिए, मुझे ना कोई बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर करना है जो लोग मेरे बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना क्रेजी, कोई बहुत ही ट्विस्टेड पागल लड़की। पागल लड़की? पागल लड़की नेगेटिव, वो बहुत बुरी लड़की हो, कुछ इस तरह का। आप ऐसा करें, आप का कैरेक्टर क्यों नहीं कर रहे? या एक नई और लड़की है अमर, वो करने ट्राई। अमर तो मेरी दोस्त है। फरियाद का कैरेक्टर करने आप अगर आपको इतना पागल। सारा ये बताएं कि आपकी सबसे ज्यादा किस बात पे हटती है? जब प्रोड्यूसर चेक लेट देते, जब सेट पे लोग फुल घी वाले खाने ले आके खिला देते हैं और कहते हैं ये बजट है, ठीक है। जब कोई जानने वाला सोशली मिले और आंखें चुरा के एंजो उधर चले जाता है कि मैं क्यों आया बोलूं जाके। नंबर 4, जब सोशल मीडिया पे लोग खामखा बजाते हैं। या नंबर 5, जब लोग मुझसे बात करते हुए मेरे चेहरे के अलावा बाकी सब जगह देख रहे हो। इस बात से ऐसे लोग उधर जाते हैं कि पढ़ के मारना शुरू कर दो। ये काफी होता है वैसे, मैंने देखा सुना और ऑब्जर्व किया। फिर ऐसे लोग सब जिंदगी में कभी उन्हें सलाम भी ना करो, मुझे इतनी चढ़ाती है उन लोगों से। अच्छा, आसान है। ये बताएं सारा कि इनमें से अपना कंपटीशन आप किसको मानती हैं? ठीक है, इफ एनी, उर्वा एंड मावरा हुकैन सिस्टर्स, इकरा अजीज, हानिया आमिर, मायरा खान या फिर फिरदौस जमाल? फिरदौस जमाल। हाँ, वो आजकल बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वो आजकल। देखा आपने वो? देखा आपने? कुछ बताना चाहती थी लेकिन छोड़े। ये बताएं सारा कि आप अगर एक्टर नहीं होती तो इनमें से क्या होती? स्कूल टीचर होती, शेफ होती यानी कि बावर्ची, हेयर स्टाइलिस्ट होती यानी कि हजाम, सही है, जिम इंस्ट्रक्टर होती, UFC फाइटर होती, अंडरग्राउंड या सियासतदान होती? मैं होती हेयर ड्रेसर। हेयर ड्रेसर होती है? हाँ, आपने बाल अच्छे बनाए हैं। हेयर ड्रेसर अच्छे किए। हालांकि वो चपेट वाली बात के बाद तो मुझे UFC फाइटर वाली ज्यादा क्लोज लग रही है, चांसेस आपके ज्यादा होते हुए के। चलते हैं हम अपने एक्सट्रीमली ओरिजिनल सेगमेंट की तरफ। आपने शो पहले देखा है? जी देखा है। देखा है ना, और आपको पता है कि आज कितना साफ जा रहा है। हाँ, मैं 50,000 कमेंट आने हैं कि नहीं नहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, आपने वो क्यों नहीं पूछा सारा से, आपने वो क्यों नहीं पूछा। पहला वर्ड जो आपके दिमाग में है वो आपने मेरे मुंह पे मार देना है, ठीक है, जिस तरह आपने। आइटम नंबर्स हमेशा नहीं होने चाहिए, जहाँ जरूरत है उधर करें। ओके, व्हाट शोज? अच्छे, वकार जका। आई लाइक वकार जका। अच्छा, पहली बंदी है ये। ब्लॉगर बरादरी? मुझे समझ नहीं आते वो लोग क्या चाहते हैं जिंदगी से। मुझे भी नहीं समझ आता। फिल्म प्रीमियर्स अच्छे होते हैं, मजा आता है। शोबिज़ पार्टीज? मैं कभी गई नहीं। तो आपको टोनारी लोग पसंद नहीं आते जो कहते हैं ये सारा? हाँ। नहीं, तुम डायन नहीं हो, इसलिए नहीं जाती। अच्छा, आपको ऐसी टोनारी। पाकिस्तानी सिनेमा कहाँ जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। वेब सीरीज का क्या माजरा है? वेब सीरीज बननी चाहिए क्योंकि अब मुझे लगता है वेब सीरीज का कुछ ज्यादा ही जमाना आ गया, तो वेब सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान में। इमरान खान, वन वर्ड। मेरे फेवरेट। चाय के कॉफी? कॉफी सुबह, शाम में चाय। बिरयानी की निहारी? निहारी। शलवार कमीज की जीन्स की पैंट? शलवार कमीज। ब्राइटर फ्यूचर किसका, इकरा की हानिया? दोनों का। मेरे अलावा फेवरेट यूट्यूबर कौन है आपका? मुझे, मैं सच बताऊं, मैं सिर्फ आपका शो देखती हूं, मैंने और कुछ खास इतना देखा नहीं है। थैंक यू, आई लव यू टू। मेरे अलावा सबसे ज्यादा गुलबदन लड़का कौन? कौन? मेरे अलावा सबसे ज्यादा गुलबदन लड़का कौन? आप हैं या वजाहत रऊफ है, और कोई नहीं है गुलबदन। फेवरेट को स्टार? फेवरेट को स्टार आजकल की बात करेंगे तो शहरोज। और मुझे भूषण सारी बड़ी पसंद है, लेकिन को स्टार की बात करें तो दोनों मुझे भी बड़े पसंद है। फेवरेट सिटी?
पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के बाहर ट्रैवल करना। मैंने इतना खास ट्रैवल नहीं किया लेकिन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपका फेवरेट, अपना आपका फेवरेट ड्रामा? नहीं अपना आपका नहीं, आपका अपना फेवरेट ड्रामा? मेरा अपना फेवरेट ड्रामा अब तक का है बेलापुर की डायन और अलविदा। हाँ डायन में क्योंकि डिफरेंट था, डायन में डिफरेंट था, अलविदा में नेगेटिव था। यार के प्यार, यार और प्यार साथ होने चाहिए। इस राउंड का नाम है तुक्का राउंड, इसका मतलब आपने तुक्के लगाने दबा के, ठीक है वो लगे ना लगे उसमें कोई मसले की बात नहीं। आपकी शादी कब होगी? एक साल के अंदर। एक साल के अंदर? इसका मतलब वो पहला वाला प्रोसेस सारा हो चुका है, वो यारी और दो कारोबारी और दोस्ती? नहीं मैंने कहा ना कि देखे लड़का पसंद आएगा उसमें शादी कर लेंगे, अरेंज मैरिज। ठीक है सही है, मैं भी नेक्स्ट ईयर फ्री चल रहा हूँ। टीवी पे रोंदू ड्रामे बनना कब बंद होंगे? तो अल्लाह नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। कौन एक्टर रोल के लिए गंजा होने के लिए तैयार हो जाएगा? इतना क्रेजी कौन लगता है? कोई नहीं है, इमरान अशरफ। आपकी पहली फिल्म में हीरो कौन होगा? देखें मैं फिल्म वो करूंगी जिस हीरोइन ज्यादा जिसका काम हो, हीरो फिर कोई भी चलेगा। नेपोटिज्म के बारे में क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं है, होनी चाहिए ना। सही है ना, सेट है। सोशल मीडिया पे अगला स्कैंडल किसका होगा? आपका बना है अब तक कोई कंट्रोवर्सी? इफ नॉट अ स्कैंडल? नहीं नहीं, मैं बड़ी लकी रही हूँ, मेरे बारे में कुछ भी नहीं बात नहीं, कभी ना मुझे गलत कमेंट आता है ना कुछ। हाँ अगला सवाल मेरा यही था कि कमेंट तो देखें बजाते तो हैं लोग, क्या कुछ भी हो जाए, आप ऐसे भी बैठी हो यहाँ तक कपड़े पहन के फिर भी वो कुछ ना कुछ तो बजाएंगे, तो आपकी किस बात पर बजाएगी कभी भी? देखें मेरा इमेज बड़ा वो ही वाला है, हमेशा से लोगों ने मुझे हमेशा ऐसी पूरे कपड़ों में और वैसे ही देखा है, तो कभी अगर मैंने जीन्स पहन ली ना जैसे अब भी पहन ली है तो इस पे होता है कि आप बदल गई हैं। अच्छा, बदल गई बस ये, इससे ज्यादा मेरी किसी ने नहीं कभी। जीन्स पहनने से इंसान बदल गया? बदल गई, आप बदल गए। तो बेसिकली कपड़ों पे? हाँ बस, उसके अलावा नहीं, कभी नहीं। अपने और नूर के अलावा नेक्स्ट बिग थिंग इन शोबिज कौन हो सकता है या हो सकती है? इकरा है। इकरा? हाँ। सारा आप 15 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रही होंगी, मैं अच्छा प्रोड्यूसर बन जाऊंगी ये मुझे पता है। ये बताएं कि इनमें से आपको सबसे ज्यादा आईटी कपल कौन लगता है? आईटी कपल समझती है ना, वो मैगजीन में नहीं लिखा हुआ था ब्रैड एंजेलिना आईटी कपल? सही है, सही है, सही है। आईटी होता है ना इट कपल? ओ इट आईटी। हाँ मुझे आज किसी ने बताया नहीं तो मैं आईटी बोलते रहता हूँ। आसिम और हानिया, इकरा और यासिर, असद और ज़ारा या अहद और सज्जद? अहद और सज्जद। आर और सज्जद, हाँ क्यूट कपल। आई लाइक देम। इस सेगमेंट का नाम है क्या सीखा? ओह रेडी है? रेडी। किस इंडस्ट्री से? पेशेंस, बहुत पेशेंस। अपनी फैमिली से? पॉजिटिव रहना हर हाल में। जालिम समाज से? उनकी वजह से खुद जालिम नहीं होना है। ब्लॉगर बरादरी से? उन्हें तो छोड़ दें। मोहल्ले वालों से? आप क्या वो होता है कि ओ ये तो शोबिज़ वाली है, ये घर शोबिज़ वाला है, ऐसा होता है? ऐसे होता है, मोहल्ले को पता होता है कि घर शोबिज़ वाला है। मोहल्ले वालों से मैंने ये सीखा है कि हर किसी चीज में टांग नहीं अड़ाए। हां ना अड़ाए। न्यूज़ चैनल से क्या सीखा? कुछ नहीं, आई हेट न्यूज़ चैनल, मुझे चिढ़ आती है न्यूज़ चैनल जब घर पे लगे हुए होते हैं ना तो मैं कभी नहीं देखती। और ये जो रोंदू ड्रामे हैं इनसे क्या सीखा, अगर कोई एक चीज सीखी हो तो? उन ड्रामों से जरूर सीखा है जिसमें औरत को बड़ा मजबूत दिखाया है रोंदू ड्रामों के, आप रो तो नहीं लेकिन एंड में कुछ अच्छा भी तो हो। ठीक है, आपका एक ऐसा टैलेंट जो किसी को नहीं पता? कुछ नहीं। अभी आवाज आई मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं पता, आज पता चल जाएगी कुछ बातें नहीं, तो नहीं। चले मुझे जो बात पता चली है वो मैं इस इंटरव्यू के एंड की तरफ लेके आऊंगा। कोई बात नहीं पता। मेरे पास एक टैलेंट है, मैं अपना दिखा दूं अगर आप इंसिस्ट करते हैं। मैं पता है डायनासोर की आवाज बड़ी अच्छी निकाल सकता हूं। डायनासोर की आवाज ही कैसी मुझे ये नहीं पता। आप डर तो नहीं जाएंगी? ये देखें, ये देखें, जुरासिक पार्क देखी ना आपने? सारे साउंड इफेक्ट आपके भाई ने किए। ये देखें ये कैसी थी, सुनिए। इसको हाथी के लिए भी आप ये हाथी ही है, डायनासोर था ये, हाथी नहीं है। इस सेगमेंट का नाम है आखिरी बार। आखिरी बार साइकिल कब चलाई थी? आखिरी बार साइकिल चलाई थी 2 साल हो गए। आखिरी बार खुल के हंसी कब थी? हर वक्त, अभी भी मैं खुल के हंस रही हूँ। वेरी गुड, हंसमुख है ये लड़की। हाँ। आखिरी बार किसी से लड़ी कब थी? लड़ी कब थी? लड़ती नहीं मैं, बस मैं बात नहीं करती।
अगर मुझे लड़ना है तो मैं बात नहीं करूंगी। आखिरी बार चेक टाइम पे कब मिला था? कभी नहीं। मुझे भी लग रहा है कभी नहीं आपकी शक्ल। आखिरी बार प्यार कब हुआ था? प्यार मुझे हर वक्त होता रहता है, मुझे सबसे प्यार, मुझे आपसे भी प्यार हो गया है। अम्मी से बात कर फिर थोड़ा 6 महीना आपसे बड़ा हूँ एज में, बट आई एम श्योर वो फैमिली वाले नहीं। आखिरी बार ठेले से बन कब आपको खाया था? खाया है, पिछले हफ्ते ही खाया होगा। आखिरी बार बस में कब बैठी थी? बस में बचपन में बैठी थी आखिरी बार, स्कूल जाने के लिए कभी बैठी होंगी। ये बताएं कि ये फिल्में अगर यहाँ बनती पाकिस्तान में तो कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल कैरेक्टर होता? दबंग में सलमान खान, दबंग में सलमान खान, फिरोज। क्वीन में कंगना का रोल? सबा कमर। गोविंदा कौन है पाकिस्तान का या कर बन सकता है? अहमद अली भट्ट। उन्हें थोड़ा पतला कर दें। अच्छा हम चलते हैं इस सेगमेंट में, ये है इससे पता चलता है कि आप कितनी स्ट्रीट स्मार्ट हैं। ठीक है, बस में आप बचपन में बैठी थी, लेकिन देखते हैं इन वर्ड्स के आपको मतलब पता है कि नहीं। खड़पैंच। ये मैंने पहली बार सुना। नहीं सुना कभी आपने? बड़ा खड़पैंच आदमी है। खड़पैंच ये क्या है? बड़ा वो आदमी है, पागल। हाँ अच्छा। चपड़ खनातिया। क्या? चपड़ खनातिया, चपेड़ मारने वाला इंसान? नहीं, बट उसी का कजन ही है ये, खड़पैंच जैसा ही। रांगड़। रांगड़ मैंने सुना है, वो भी फिल्मों में सुना है। फिल्मों में सुना है, मतलब नहीं पता। अच्छा गूर कीजिएगा। पौंका। ये तो बहुत सुना है, मतलब कोई मुझे एक दफा ये वर्ड मैंने सुना, मैंने अपने भाई से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, मेरे भाई ने कहा छोड़ो तुम नहीं बोला करो। नहीं बोला करो, बस इतना ही पता है मुझे। इस सिचुएशन से खेलते हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ और आप बताएंगे यहाँ पर सूट करता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, सही है। मेरे पीछे शहर की सारी लड़कियाँ पागल है। पौंका बनता है, बिल्कुल सही जगह यूज किया है। अगलामबाज क्या होता है? पता नहीं, उर्दू की डिक्शनरी में आप खुद सर्च कर लीजिएगा। जैसे आपके भाई ने कहा ना, मैं भी कहूँगा कि आप ना यूज कीजिएगा ये वर्ड। पिस्सू क्या होता है? पिस्सू ये भी मैंने सुना है, कीड़े। हाँ, कीड़े होता है जो खून चूसता है। हाँ। लेकिन अक्सर इंसानों के बारे में भी यूज किया जाता है। हाँ, ये मैंने, बड़ा पिस्सू आदमी है। इंडस्ट्री में बेस्ट डांसर कौन है? कौन है? अच्छा मैं, माहिरा बड़ा अच्छा डांस करती है वैसे, माहिरा और महविश। न्यू एक्ट्रेसेस को क्या एडवाइस देंगी कि खाना जेंडर से मंगवाया करें? नहीं, काम वैनिटी वैन मंगवाया नहीं। मैं बताती हूँ, न्यू एक्टर्स को मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान दें और टाइम पे आया करें। टाइम पे आया करें, काम पे ध्यान दें, ये जेंडर्स और वैनिटी फिर खुद ही मिल जाएगा। सारा मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, सही कह रही हैं? हाँ ठीक है, मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे गाना सुनाएं, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छा गाती हैं। तो कौन सा गाना सुनाएंगी इस शो पे, वॉइस ओवर मैन पे पहली दफा सारा, कौन सा गाना हमें सुनाएंगी? आप उर्दू सुनना चाहते हैं या अंग्रेजी सुनना? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। मुझे दो गाने, दो लाइनें अंग्रेजी की सुना दें जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएंगी, और दो लाइनें उर्दू गाने की सुना दें। उर्दू सुनाती हूँ। उसका गाना आता है आपको चार्ली पुतनी का? पुतनी नहीं है, पुतनी नहीं है वो, उसकी स्पेलिंग मुझे देखी थी मैंने, PUTHNI। नहीं नहीं, पूत। अच्छा पूत तक ही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो अच्छा लगता है। उसका भाई कितना खूबसूरत होगा। अच्छा सुनाए, दो लाइनें सुनाऊंगी। What would my mama do? Oh, 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 she knew about me and you. Oh, 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 what will my daddy say? Oh, 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 oh. यार आप तो बिल्कुल क्रिस्टीना एगुलेरा की तरह गाती हैं यार। इतना सांस वांस लेके आपने बड़ा अंग्रेजों की तरह गाया यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं सारा खान, आप मुझे देख रहे हैं वॉइस ओवर मैन पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब।